हेलो एवरीवन, एनआईटी दुर्गापुर के प्लेसमेंट स्पेशल सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आईटीएस द्वारा चलाए जाने वाले इस करियर फोरम का आज का सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको एनआईटी दुर्गापुर के प्लेसमेंट को काफी डीप में बताने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि हर ब्रांच में कितने बच्चे थे, उनमें से कितने प्लेस हुए हैं, यानी कि हर ब्रांच का आपको प्लेसमेंट परसेंट तो पता चलेगा ही, साथ ही में हर ब्रांच का हम आपको एवरेज सैलरी पैकेजेस भी बताएंगे। इसमें हम ये भी देखेंगे कि कितने स्टूडेंट्स को किस टाइप के सैलरी पैकेजेस मिलते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट हम इसमें ये भी जानेंगे कि क्या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अलावा दूसरी ब्रांच वाले स्टूडेंट्स को आईटी सॉफ्टवेयर्स की कंपनियां हायर करती है या नहीं। तो बहुत ही जबरदस्त और इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो इसे एंड तक जरूर देखें। व्यूअर्स, यू वाचिंग फ्रेशर्स गेट, ऐसे ही नए और यूनिक एजुकेशनल स्टफ के लिए प्लीज आप हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो गाइस, हम सबको बताया कि एनआईटी दुर्गापुर इंडिया के टॉप 50 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन में से एक है। इसका नतीजा है यहाँ पे मिलने वाला आपका टीचिंग स्टाफ या फिर अदर क्वालिटी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट फ्रेंडली फैसिलिटीज हो। तो ऐसे टॉप क्लास इंस्टीट्यूशन के प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन प्लेसमेंट को डीपली जानने से पहले चलिए सबसे पहले हम यहाँ के फीस स्ट्रक्चर को जान लेते हैं। तो फीस के लिए हम हमेशा ही आपके लिए एक इंटीग्रेटेड चार्ट बनवाते हैं, ताकि आपको फीस को समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने स्टेप बाय स्टेप सभी के लिए फीस दिया है। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका मेन फी जीरो रहेगा, साथ ही में अगर आपके ईयरली पेरेंटल इनकम 1 लाख के अंडर है तब भी आपका मेन फी जीरो रहेगा, जिनका ईयरली पेरेंटल इनकम 1 to 5 लाख के बीच है तब उनको यहाँ पे 1/3 फी पे करना पड़ेगा, और जिनके ईयरली पेरेंटल इनकम 5 लाख एंड अबाउ है तो उनको यहाँ पे फुल फी पे करना पड़ेगा, यानी कि नियर अबाउट 63,000 पर सेमेस्टर के आसपास यहाँ पे आपका फी रहने वाला है। इसके अलावा भी आपके कौन कौन से फीस होते हैं तो वो भी हमने यहाँ पे दिए हैं। जैसे आपका वन टाइम फी ड्यूरिंग द एडमिशन जो लिखा है हमने, वो आपको सिर्फ एक ही बार देना है फर्स्ट सेमेस्टर में, बाकी सेमेस्टर आपको ये फी नहीं लगेगा। साथ ही में जो क्वेश्चन मनी है रिफंडेबल, वो भी एक टाइम ही आपको देना है। एकेडेमिक एक्सपेंसेस जो रहेंगे वो आपको हर सेमेस्टर देने हैं। हॉस्टल फी हमने दिया है और मेस फी भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। सो चलिए गाइज, अब फी स्ट्रक्चर के बाद हम प्लेसमेंट की बात करते हैं, फिर उसके बाद हम आपको कट ऑफ और बाकी इंपॉर्टेंट बातें भी बताने वाले हैं। सो प्लेसमेंट में इस बार 187 नेशनल मल्टीनेशनल कंपनियों ने यहाँ पे स्टूडेंट्स को हायर किया है। 746 प्लस ऑफर्स यहाँ पे स्टूडेंट्स को मिले हैं। हाईएस्ट सैलरी इस साल का 70 लाख पर एनम का रहा है। एवरेज सैलरी 13.64 लाख पर एनम का। 26% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको 15 लाख एंड अबव के सैलरी पैकेजेस मिले हैं। 24% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको 10 to 15 लाख पर एनम के सैलरी पैकेजेस मिले हैं, और 46% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको 5 to 10 लाख पर एनम के सैलरी पैकेजेस मिले हैं, और इसमें सिर्फ 4% स्टूडेंट ही ऐसे थे जिनको 5 लाख के कम सैलरी पैकेजेस मिले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेसमेंट भी काफी जबरदस्त होता है। तो चलिए अब हम ब्रांच वाइज भी प्लेसमेंट देख लेते हैं कि किस टाइप का यहाँ पे ब्रांच वाइज प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ब्रांच है गाइज हमारे पास, वो है बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे 56 में से 38 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं अभी तक, यानी कि 67% का हमें प्लेसमेंट रेशियो नजर आता है। 9 लाख पर एनम का एवरेज सैलरी इस ब्रांच कराया है। नेक्स्ट है हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग, जिसमें 61 में से 50 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, यानी कि 82% का इसका प्लेसमेंट रेशियो रहा है। 7.39 लाख पर एनम का एवरेज सैलरी इस ब्रांच कराया है। फिर है केमिकल इंजीनियरिंग, जिसमें 66 में से 55 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, 84% का इस ब्रांच का प्लेसमेंट रेशियो रहा है। 8.87 लाख पर एनम, यानी कि नियर अबाउट 9 लाख पर एनम के आसपास इसका एवरेज सैलरी पैकेज रहा है। इसके बाद है गाइस हमारे पास कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसमें 175 स्टूडेंट्स में से 150 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, यानी कि नियर अबाउट 86% का प्लेसमेंट रेशियो हमें यहां पे नजर आता है। 21.45 लाख पर एनम एवरेज सैलरी पैकेज इस ब्रांच का था। फिर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें 87 में से 78 स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं, 89% का प्लेसमेंट रेशियो था इस ब्रांच का। 14.61 लाख पर एनम का एवरेज सैलरी था। नेक्स्ट ब्रांच है गाइस हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसमें 86 स्टूडेंट्स में से 76 स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं, नियर अबाउट 88% का प्लेसमेंट रेशियो था इस ब्रांच का, एंड 17.49 लाख पर एनम का एवरेज सैलरी इस ब्रांच का था। फिर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसमें
163 स्टूडेंट्स में से 137 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। 84% का प्लेसमेंट रेशो था इस ब्रांच का। 9.72 लाख यानी कि नियर अबाउट 10 लाख के आसपास का इसका एवरेज सैलरी था। और फिर लास्ट ब्रांच है गाइज हमारे पास यहाँ का मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, जिसमें 62 में से 56 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, यानी कि नियर अबाउट 90% प्लेसमेंट रेशो हमें इस ब्रांच का नजर आता है। एवरेज सैलरी इनका 8.79 लाख पर एनम का रहा है, यानी कि नियर अबाउट 9 लाख पर एनम के आसपास का एवरेज सैलरी इस ब्रांच का हमें नजर आता है। सो ऐसे गाइज हम सभी ब्रांचेस को मिला के प्लेसमेंट रेशियो देखे तो 84.66% यहाँ पे स्टूडेंट प्लेसमेंट रेशियो नजर आता है हमें। 640 स्टूडेंट्स अभी तक टोटली प्लेस हो चुके हैं और इसमें 85 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको मल्टीपल जॉब ऑफर्स मिले हैं, जिसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच के कुछ थे, कुछ स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिर कुछ मैकेनिकल और मटेरियल्स जैसे ब्रांचेस के स्टूडेंट्स हैं जिनको डबल ऑफर्स मिले हैं। सो प्लेसमेंट में गाइज हम आपके साथ और एक डिटेल शेयर करने वाले हैं, जैसे क्या इलेक्ट्रिकल या फिर ईसी या फिर मैकेनिकल ब्रांच वालों को आईटी सॉफ्टवेयर की कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो, टीसीएस जैसी कंपनियां हो, वो हायर करती है या नहीं। तो हाँ, बिल्कुल हायर करती है। अगर हम इस साल इनके प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देखें तो माइक्रोसॉफ्ट हो या फिर टीसीएस हो, तो ऐसी कई सारी कंपनियां थी जिन्होंने इलेक्ट्रिकल या फिर ईसी ब्रांच के स्टूडेंट्स को हायर किया है विथ एवरेज सैलरी मोर देन 10 लाख रुपीज। तो यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि क्या हम टेक कंपनी में जा सकते हैं कोर ब्रांचेस थ्रू, तो हाँ आप बिल्कुल जा सकते हैं। अगर आपने मैकेनिकल लिया हो, सिविल लिया हो, तब भी आपको आईटी कंपनियां हायर कर सकती है। तो चलिए, अगर आप भी सोच रहे हैं एनआईटी दुर्गापुर में एडमिशन का, तो आपको पता होना चाहिए किस ब्रांच के किस टाइप के कट ऑफ रैंक होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट ब्रांच दिया है आपका चार्ट में बायोटेक्नोलॉजी, तो इसमें आप देख सकते हैं किस टाइप के कट ऑफ है। तो यहाँ पे हमने हर ब्रांच के कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिए है विथ सीट मैट्रिक्स। तो आप अपनी चाहती ब्रांच के कट ऑफ के चार्ट को पॉज करके जरूर देखिए। और गाइज अगर आपको किसी भी टाइप का चार्ट समझने में दिक्कत आ रही है या फिर वीडियो के कोई सेक्शन को समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप हमें कमेंट जरूर करें। फ्रेशर्स गेट जाना जाता है हर कमेंट के प्रॉपर आंसर के लिए। तो आज बस यही रुकेंगे, मिलते हैं अगली बार और एक नए और यूनिक एजुकेशनल स्टेप के साथ। टिल देन प्लीज आप हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।